गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ मधु और आप लोग देख रहे हैं मधु यूट्यूबर ब्लॉग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे यहाँ का मौसम ऐसा हो चुका है, बहुत बारिश हुआ है और अभी भी पूरा बादल काला हो रखा है और मुझे ऐसा मौसम बहुत ही अच्छा लगता है। बट जब बादल गरजना शुरू करता है उसमें बहुत डर लगता है। रात में 4 बजे से शायद ऐसा हो रहा है, जो हम लोग सब जगे हुए थे। सुबह में 5 बजे के अराउंड मैं सोई हूँ थोड़ा सा और अभी बज रहा है 6:40 या 6:45, ऐसे ही कुछ हो रहा है। मैं 6:30 में उठी हूँ आज। और ये रहा, ये है प्ले ग्राउंड, यहाँ पर फुटबॉल गेम होता रहता है, बट जब से लॉकडाउन शुरू हुई है तब से नहीं हो रहा है। जबकि गर्मी का सीजन है तो यहाँ पर तो 5 बजे के अराउंड सनराइज हो जाते हैं, बट अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा काला एकदम। बट बहुत अच्छा लग रहा है। कल थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई थी, इस वजह से हुआ है बारिश या पता नहीं। ये खुला आसमान, चिड़िया सब घूम रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मैं मिंट लगा रही हूँ, मेरे घर में मिंट आया था और मिंट जब भी आता है तो मैं मिंट का लीफ चुन लेती हूँ और उसके बाद मैं इसमें लगा के रख देती हूँ अपने छोटे से गार्डन में। बुध और आप लोग को बुध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि मैं किचन में आ गई हूँ और मैं बहुत नेट पे देख रही हूँ जो डालगोना कॉफ़ी के बारे में, तो आज मैं भी ट्राई करने जा रही हूँ, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं, ट्राई करती हूँ मैं। और मैंने सारा सेटअप कर लिया है, कॉफ़ी पाउडर, कोका पाउडर, पानी, चीनी और मैं इससे तो इसमें मैं लगा देती हूँ। जब ये है तो क्यों स्पून से करना ना, इसलिए मैं इसी से करूंगी। मैं 1 चम्मच ही ये कॉफी पाउडर लूंगी क्योंकि ज्यादा तीखा हो जाएगा, इसलिए मैं बाकी ये कोका पाउडर ले लेती हूँ। इसको साइड। और मैं इडली बैटर भी दिया हूँ, इडली बैटर के लिए मैंने चावल उड़द दाल सब भिंगा के रखी हूँ, वो भी पीसूंगी। और मैं चीनी ले रही हूँ इसके लिए, मैं थोड़ा मीठा बनाऊंगी नहीं तो बहुत कड़वा हो जाएगा, फिर कोई नहीं पिएगा। और मैं बस मैं इतना सा पानी मिक्स कर लेती हूँ। लेट्स गो। और हाँ, मैं कोल्ड नहीं बनाऊंगी, हॉट बनाऊंगी, तो मैं दूध उबलने के लिए दे दिया हूँ गैस पे। ये रहा मेरा फोम, कुछ नहीं बना, बहुत देर से करते 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 ऐसा बना, एकदम चॉकलेटी था। नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। ये रहा मेरा डालगोना कॉफी, ये इसका पूरा टेस्ट डेयरी मिल्क के तरह हो गया है। मुझे लगता है कोका पाउडर मिलाई इसलिए ऐसा बन गया लग रहा है। इस कॉफी के साथ मैं अपने हस्बैंड के मिलाती हूँ। ये रहे
ये मेरे हस्बैंड, देखो तो इधर हाय खुशी, ये है मेरी डार्लिंग खुशी डार्लिंग। आपको मम्मा का कॉफी कैसा लगा? मैंने तो कॉफी पिया नहीं। उसका सिरप तो पी थी तो कैसा था? कैसा था बोलो? तुम तो मुझे मांग मांग के बोली थी मम्मा चॉकलेट की तरह दो दो मुझे। और आपको कैसा लग रहा है कॉफी? बहुत अच्छा। आप किसी चीज को खराब बोलते हो? कैफे कॉफी डे में पी कर रहा। अच्छा कुछ ज्यादा ही हो रहा कॉफी पर मेरी बहुत सारी पुरानी कुछ ज्यादा हो रहा है। आप किसी चीज को खराब बोलते ही नहीं हो। तुझे तो बहुत आई क्या बोलते हैं उसको ब्लॉगिंग करने का? मेरा नहीं है आपका। मेरा है ठीक है मेरा। दो मिनट हैव अ कॉफी प्लीज। सच्ची में टेस्ट बहुत ही अच्छा बना है। सिर्फ इसका वो नहीं बना क्या बोलते हैं उसको सिरप। सिरप नहीं इसे क्या बोलते हैं लोग कॉफी पाउडर। होम नहीं बना है बट टेस्ट अच्छा बना। पहले हार चला फिर जीत चला। स्पेशली गुड्डे के साथ ही कॉफी ना लाजवाब कॉम्बिनेशन क्योंकि गुड्डे में बटर होता है। गुड्डे में बटर होता है क्या होता है बटर में क्या होता है गुड्डे पे बटर ला बोतल मत लो ठीक है। जो मेरा ये सिरप बच गया है उसको मैं रख लेती हूँ। सब वीडियो शूट की थी उसके बाद एक भी कुछ भी वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाने में लेट हो रहा था। फिर वीडियो शूट करने लगती तो मुझे बहुत लेट हो जाता इसलिए फिर मैं एक बार शाम को ही वीडियो शूट की। अब मैं इडली बैटर भी बना लूंगी। इडली इसमें मैं चावल और ये उड़द दाल मेथी और मैं थोड़ा सा इसमें पोहा डालूंगी। तो यही था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। मैं इस ब्लॉग को यही पेंट कर रही हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मुझे अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर दबा देना जिससे कि मेरा आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपके पास चला जाए। बाय बाय लव यू।